करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस, मतलब बिजनेस के फीचर्स क्या है, उसका नेचर क्या है, बिजनेस किस तरीके का होता है, क्या होता है उसमें। सबसे पहली बात कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में पढ़ा हुआ है कि बिजनेस हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पैसे कमाने होते हैं या फिर जीविका कमानी होती है, यानी कि लाइवलीहुड, मतलब अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी गाड़ी चलाने के लिए हमें एक बिज़नेस करना पड़ता है या फिर हम एक बिज़नेस करते हैं। तो इसलिए वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हम उसे पैसे कमाने के लिए करते हैं या फिर लाइवलीहुड कमाने के लिए करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? बिजनेस में हमेशा प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। अब देखो, बिजनेस या तो खुद बनाएगा या फिर किसी से खरीद के बेचेगा। खुद का बना हुआ बेचेगा या फिर किसी से खरीद के बेचेगा, सीधी सी बात है। अब जैसे मान लीजिए कि आप जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, हो सकता है वो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला खुद ही बना के बेच रहा हो, मतलब उसका प्रोडक्शन हाउस भी हो और वो आपको फिर आगे बेच रहा हो। पर ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग ब्रांड से इकट्ठा करके फिर आपको बेच रहा हो, जो कि ज़्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में होता है, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके का गुड्स होते हैं, आपने अगर नोटिस किया हो तो, मतलब वो लोग हर ब्रांड रखते हैं। जब कोई स्पेसिफिक कंपनी या फिर स्पेसिफिक ब्रांड का होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, जहाँ पे सिर्फ उसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो हो सकता है वो प्रोडक्शन करके वहाँ पे बेच रहा हो सीधे। और सर्विसेज में क्या होता है भाई? अब जहाँ पर बड़े बड़े टीचर्स की रीच नहीं है, वहाँ पे क्या होता है कि लाइव क्लासेस कोई और कोचिंग वाला, कोई और कोचिंग सेंटर आप तक पहुँचाता है, तो ये प्रोक्योर कर रहा है, आपको खुद नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि किसी और की पढ़ाया हुआ, किसी और की सर्विस आपको दे रहा है, बस वो एक मीडियम बन गया है, तो ये प्रोक्योर कर रहा है। अब प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन वो करता है जो डायरेक्ट खुद पढ़ा रहा है आपको, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है वो सर्विसेज। तो बस यही है, कोई भी बिजनेस में प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता ही है। अब भाई इसमें बेचना भी होता है यार। अगर आपने गुड्स बनाए या सर्विसेज प्रोड्यूस करी या प्रोक्योर करी, तो उसको बेचोगे नहीं तो बिजनेस थोड़ी होगा वो। वो तो आप बेचोगे नहीं तो सेल्फ कंज्यूम करोगे, तो ये बिजनेस थोड़ी होता है, ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और बिजनेस का पहला ही कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ा है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो जब तक आप बेचोगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा, आपकी जीविका नहीं आएगी, तो ये बिजनेस थोड़ी होगा। इसलिए बिजनेस में सेल या फिर एक्सचेंज होता है। अब नेक्स्ट क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब कि ऐसा नहीं कि आज आपने एक चीज बेच दी, कल आप भूल गए कि हम कोई बिजनेस करते थे, क्योंकि भाई वो बिजनेस होगा ही नहीं। पहली बात तो बिजनेस किस उद्देश्य से किया जाता है? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट होता है और रेगुलर बेसिस पे होता है। मतलब आज आप सामान बेच रहे हैं, आपने इकट्ठा कुछ सामान खरीदा है, वो बेचेंगे आप, ऐसा नहीं बार बार बेचेंगे, मतलब रेगुलर बेसिस पे बेचेंगे। ऐसा नहीं कि अगर मान लो आपको कोई स्टिकर पसंद आया आपके दोस्त के पास जो हो, तो आपने बोला भाई मेरे को स्टिकर बड़ा पसंद आ रहा है, दे दे मेरे को, तो वो बोले भाई ऐसे तो नहीं मिलेगा, पैसे तो देने पड़ेंगे, तो आपने बोला चल दे दे रहा हूँ पैसे, बता कितना हुआ, उसने आपको पैसे में बेच दिया वो स्टिकर, तो क्या ये बिजनेस हो गया? अरे नहीं भाई, वो रोज़ थोड़ी स्टिकर खरीद के दूसरों को बेचता है, उसने तो बस आज बेचा है एक स्टिकर, उसका रेगुलर काम थोड़ी है ये। और आप एक फिफ्थ पॉइंट देख रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग। हो सकता है उसका दोस्त बिना किसी प्रॉफिट के जितने में उसने लिया उतने में ही बेच दे, वैसे तो ऐसा ही होगा, दोस्ती में तो यही होता है, पर आज के ज़माने का भरोसा नहीं है, तो हो सकता है कि बिना प्रॉफिट के उसने उसको बेच दिया हो। तो यार बिजनेस का तो बहुत ही बड़ा एक नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है उसका, कि इसमें प्रॉफिट अर्निंग होती है, तो उसने बिना प्रॉफिट के बेच दिया और रेगुलर बेसिस पे वो काम नहीं कर रहा, तो ये बिजनेस थोड़ी हुआ। तो बस यही है, रेगुलर बेसिस पे जो काम होता है वो बिजनेस होता है। अब जो प्रॉफिट अर्निंग है, बिजनेस का उद्देश्य ही होता है प्रॉफिट कमाना, अगर उसमें प्रॉफिट ही नहीं कमाना है तो बिजनेस किस काम का? फिर तो आप एक एनजीओ बन जाएंगे ना। इसलिए बिजनेस में प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट जिसमें प्रॉफिट इसका मोटिव नहीं है वो बिजनेस नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मतलब कि बिजनेस में क्या है, पक्का नहीं होता कि कितना पैसा आएगा और कितना नहीं आएगा, हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। अब ये कोई एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, मतलब कि आप कहीं पर नौकरी तो कर नहीं रहे हैं कि आपको पक्का पता हो कि कहाँ से पैसा आ रहा, कितना पैसा आ रहा, कि टोटल अपन को महीने में इतने पैसे आने ही आने हैं।
हमारी जो इनकम होनी है या फिर हमारा जो पैसा वापस आना है वो अनसर्टेन है, हो सकता है जितना आपने पैसा लगाया उतना भी वापस ना आए, मतलब कि लॉस हो जाए। तो बस यही है कि बिजनेस में हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये सिमिलर है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न से, क्योंकि हमेशा बिजनेस में एक रिस्क बनी होती है कि पता नहीं लॉस ना हो जाए। प्रॉफिट आता है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा भी आ जाए, जितना आप कभी अपनी ज़िंदगी में नौकरी में ना कमा पाए, पर लॉस होने की भी इसमें चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको रिस्की बोला जाता है बिजनेस को। और ये इसका बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब चल गया तो चल गया और डूब गया तो डूब गया। तो बस यही था नेचर ऑफ बिजनेस। कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, कोई पॉइंट के बारे में और जानना हो तो कमेंट करिएगा, आपको ज़रूर बताया जाएगा, या फिर कोई भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और आखिरी में थैंक्स फॉर वॉचिंग।